नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉर्क। टॉर्क की डेफिनेशन सबसे पहले, तो टॉर्क क्या होता है? इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कोई बॉडी है, हमने उस पर फोर्स लगाई और फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट हो गई, तो दैट रोटेटिंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इट इज़ मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसकी मेजरमेंट करनी है, टॉर्क की हमें मेजरमेंट करनी है। तो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी टेक प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में? तो बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब ये क्या कहानी है मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उससे तुम्हें थोड़ा समझने में आसानी होगी। मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने एक बॉडी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बॉडी है, ठीक है ना। मैंने इस बॉडी को इस पॉइंट पे किसी नेल से हिंज कर दिया, ठीक है, कोई नेल लगा दिया, हिंज कर दिया। अब ध्यान दो, ये जो तुम्हारे सामने मैं पेन दिखा रहा हूँ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना। इस पेन के अराउंड ये बॉडी रोटेट हो सकती है, ठीक है ना। इस पेन के अराउंड, इस पेन, ये जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हिंज पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस, जो कि प्लेन ऑफ रोटेशन, जिस प्लेन में बॉडी रोटेट होने वाली है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट होने वाली है। तो चलो, मैंने क्या काम कर दिया, इस बॉडी पे कुछ दूरी पे, हिंज पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पे फोर्स लगा दी एफ। तो ये जो फोर्स है इस बॉडी को रोटेट करा देगी, तो ये कहते हैं रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। और टॉर्क अगर हमें मेजर करनी है तो इट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, बात समझो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स जिस लाइन के अलॉन्ग लग रही है उस लाइन को मैं तुम्हारे सामने एक्सटेंड करके दिखा रहा हूँ। तो ये लाइन, डॉटेड लाइन जो दिखा रखी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इस लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स लग रही है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करना है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करने वाली है, इसको ये लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाम दे देते हैं। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, टॉर्क को हम टाउ से दिखाते हैं, सिंबल, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, अगेन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का कहाँ से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूमने वाली है। ठीक है, तो समझो टॉर्क का फॉर्मूला जो अभी समझा रहा था डायग्राम में मैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको अगर हम वैक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो फोर्स वैक्टर एक हम लेते हैं यहाँ पे आर वैक्टर, पोजिशन वैक्टर, ठीक है, और दोनों वैक्टर को मल्टीप्लाई करके जो हमें आंसर टॉर्क चाहिए, वैक्टर क्वान्टिटी है तो बीच में डॉट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट, दो वैक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर हमें स्केलर चाहिए होता है तो डॉट यूज करते हैं, वैक्टर चाहिए होता है तो क्रॉस यूज करते हैं। टॉर्क इज अ वैक्टर क्वान्टिटी, तो यहाँ पे बीच में हम क्या यूज कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ऐसे यहाँ पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन पे बात नहीं कर रहे, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा। मैं चलो पहले तो मैं थोड़ा सा फिर से दिखाता हूँ डायग्राम में, ये आर वेक्टर किसको बोल रहे हैं, एफ वेक्टर किसको बोल रहे हैं। तो एफ वेक्टर तो चलो ऑब्वियसली फोर्स ही हो गया, एफ हमारा फोर्स वेक्टर। अब ये फोर्स हमने जिस पॉइंट पे लगाई है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम आर वेक्टर बोलते हैं, और ये पोजीशन वेक्टर मार्क करते समय ओरिजिन किसको मानते हैं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने अपना क्या मान लिया, जिस बॉडी पॉइंट पे बॉडी हिंज्ड है, जिसके अबाउट वो घूमने वाली है, रोटेट होने वाली है, उसको अपना क्या मान लिया, ओरिजिन। बॉडी के जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करी है उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम आर से दिखा रहे हैं, तो आर वेक्टर
एफ वेक्टर, दोनों को हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क वेक्टर। क्या, चलो अभी थोड़ा सा इसके बेसिक बातों पे बात कर देते हैं। तो ये सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का एम वन एल वन टी माइनस टू आर का एल, एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू एल क्या हो जाएगा, एम वन एल टू टी माइनस टू। फिर ये लोग बोल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ, तो ऑब्वियसली आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी हमें आंसर आएगा, जो भी हमारा वेक्टर आएगा, वो वेक्टर आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगा। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर पोजिशन वैक्टर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो टॉर्क की एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, सी जी एस में जाएंगे तो न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर, तो सी जी एस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर। फिर इसके बाद बॉडी पर टॉर्क का एक्सप्रेशन, आर क्रॉस एफ पे हम दिमाग लगाएं तो टॉर्क आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा मैक्सिमम कब होगी, तो टॉर्क मुझे किसी बॉडी पे मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू हम क्या कर देंगे, वन, थीटा कितना करना पड़ेगा 90, तो इफ थीटा इज 90 टॉर्क विल बी मैक्सिमम, और इफ थीटा इज जीरो साइन जीरो जीरो टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो, टॉर्क क्या हो जाएगी, मिनिमम। ठीक है, तो टॉर्क मिनिमम इफ थीटा इज जीरो, टॉर्क मैक्सिमम इफ थीटा इज 90 डिग्री। चलो अभी इस टॉर्क के फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, फॉर्मूले के साथ पहले फेमिलराइज हो जाते हैं ताकि फिर आगे दिमाग चलाने में दिक्कत ना। क्या देखो, टॉर्क का फॉर्मूला ये लोग कह रहे हैं आर एफ साइन थीटा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ क्या बन गया था, आर एफ साइन थीटा आर मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और अगर हम याद करें तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम में थीटा कौन सा लेना होता है, एंगल बिटवीन आउट गोइंग वैक्टर्स आर एंड एफ। ध्यान दो, आर वैक्टर को आउट गोइंग इमेजिन करो, एफ वैक्टर को आउट गोइंग इमेजिन करो, दोनों आउट गोइंग वैक्टर्स के बीच में जो एंगल आएगा दैट एंगल इज थीटा, ये रहा। ठीक है, अब ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन अभी हमने क्या डिस्कस किया, आर एफ साइन थीटा को तुम पढ़ो एफ इंटू आर साइन थीटा, तो डायग्राम में देखो रियलाइज करो ये आर थीटा की तरफ जाते तो आर कॉस थीटा, थीटा से दूर जाएंगे तो आर साइन थीटा, ये डिस्टेंस आर साइन थीटा। तो नोटिस करो टॉर्क एक्सप्रेशन में फोर्स इंटू आर साइन थीटा में, आर साइन थीटा क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसी आर साइन थीटा को हम क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का कहाँ से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क कैन बी मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये टॉर्क का जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा, ये एक्सप्रेशन हमारे सीबीएसई में डिराइव करने के लिए आता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, स्कूल वालों का फेवरेट टाइप्स, और इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हायर साइड पर रहते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। ठीक है, देखो तुम्हारे लिए लिख भी रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पूरे चैप्टर का। फिर एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रॉम रोटेशन ऑफ पार्टिकल इन अ प्लेन, तो अभी टॉर्क का डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में डिस्कस करेंगे, फिर लेटर इसको हम लोग पोलर फॉर्म में लेके जाएंगे। खैर कहानी क्या होती है डिस्कस करते हैं तभी दिमाग चलेगा। तो ये लोग क्या काम करते हैं, ये सबसे पहले यहाँ पे कोई पार्टिकल ले लेते हैं, डायग्राम से ही मैं कहानी समझाना चालू करता हूँ। तो लेट अस कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम, यहाँ पे पार्टिकल ले लिया मास एम का, तुम देख रहे हो ये डॉटेड लाइन से इसका हमने ये पाथ ड्रॉ करके दिखा रखा है, ये इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, बेसिकली ये ओ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये पार्टिकल पी रोटेट कर रहा है, अरे मेरी बात समझ, तो ये पार्टिकल पी क्या करने वाला है, रोटेशन मोशन। अब जब ये रोटेशन मोशन कर रहा है तो ड्यूरिंग रोटेशन मोशन इसके ऊपर हम लोगों ने फोर्स एफ दिखा रखी है,
ये फोर्स एफ लग रही है और ये फोर्स ही कहीं ना कहीं इसके रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मान लो ये बॉडी जो है रोटेट कर रही है, इसमें मल्टीपल फोर्सेस लग रही है, हम सारी नहीं, उनमें से वन ऑफ द फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं एफ, और इस फोर्स का इस बॉडी के रोटेशन में क्या इफेक्ट है, उस इफेक्ट को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम डिस्कस करना चाह रहे हैं टॉर्क ऑन दिस पार्टिकल ड्यू टू फोर्स एफ। तो ये जो फोर्स एफ लग रही है, ठीक है, इसको हम दो कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इस फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट मैंने मान लिया है एफ एक्स, वाई कॉम्पोनेंट मैंने मान लिया है वाई एफ वाई। पार्टिकल शुरू में कहां पर है, टी टाइम पे पार्टिकल कहां पर है, पी पे, पॉइंट पी पे, और कुछ टाइम डी टी बार, ठीक है, वो कहां पहुंच चुका है, पॉइंट क्यू पे। तो शुरू में कहां था वो, पॉइंट पी पे, थोड़ी देर बाद कहां पहुंच गया वो, पॉइंट क्यू पे। पी पॉइंट उसका इनिशियल पोजीशन, क्यू पॉइंट उसका फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन को हमने मान लिया है आर वेक्टर, और फाइनल पोजीशन को क्या मान लिया, आर प्लस डी आर। ठीक है, जैसे हम पास में भी डिस्कशन करते हैं टाइम टी से टी प्लस डी टी, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स से एक्स प्लस डी एक्स, यहाँ पे पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है, तो आर से आर प्लस डी आर, इनिशियल पोजीशन को हमने क्या मान लिया, आर वेक्टर। कुछ देर बाद वाली पोजीशन को हमने क्या मान लिया है, आर प्लस डी आर वेक्टर। अब तो ध्यान दो, तुम्हारे सामने ये ट्रायंगल दिख रहा है, सॉरी, ये ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने जा रहे हैं। तो ध्यान दो, ये लोग बोलते हैं ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर ओपी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर। ओपी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर, ट्राइंगल लॉ लगा दिया हम लोगों ने। छोटी को पहले पार्टिकल कहां पे था, पी पे, बाद में क्या पहुंच गया, क्यू पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, फ्रॉम पी टू क्यू, पी क्यू। ठीक है ना, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पी टू क्यू, पी क्यू वैक्टर विल बी इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। में ओ पी इनिशियल पोजिशन हमारी क्या मानी थी हमने, आर। ओ क्यू फाइनल पोजिशन हमने क्या मानी थी, आर प्लस डी आर। तो आर प्लस डी आर फाइनल पोजिशन, आर हमारी इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास क्या आ चुका है, डी आर। फॉलो कर पाए, इनिशियल पोजीशन आर, फाइनल पोजीशन आर प्लस डी आर, वैसे ही कॉमन सेंस है, इनिशियल पोजीशन आर, फाइनल पोजीशन आर प्लस डी आर। तो चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आर प्लस डी आर माइनस डी आर, सॉरी आर प्लस डी आर माइनस आर, क्या हो जाएगा, डी आर। तो पार्टिकल पी से क्यू गया, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर। अब इस डिस्प्लेसमेंट डी आर का एक्स कॉम्पोनेंट मान लेते हैं ये डी एक्स, वाई कॉम्पोनेंट मान लेते हैं डी वाई। ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट डी एक्स, वाई कॉम्पोनेंट डी वाई। तो तुम्हारे सामने यहाँ पे पार्टिकल पे फोर्स लग रही है, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, रोटेशन मोशन कर रहा है, रोटेशन मोशन करते हुए पी से क्यू जा रहा है, रास्ते में उस पर फोर्स लग रही है एफ, हुज एक्स कॉम्पोनेंट इज एफ एक्स, वाई कॉम्पोनेंट इज एफ वाई। उसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है डी आर, जिसका हमने एक्स कॉम्पोनेंट मान लिया है डी एक्स, वाई कॉम्पोनेंट मान लिया है डी वाई। ये तो इनिशियल स्टार्ट है, डायग्राम बना के उसको समझा दिया, अब ये कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, तो आगे अभी हम लोग कुछ बात करेंगे वर्क की। टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए ये लोग बात करते हैं ये फोर्स एफ के वर्क डन की। जब पार्टिकल को हम पी से उठा के क्यू पे ले गए, तो इस फोर्स एफ ने इस पे कुछ वर्क किया होगा, उस वर्क डन के एक्सप्रेशन को ये लोग निकालेंगे। तो याद करो, हम लोगों ने पास्ट में डिस्कशन किया हुआ है लीनियर मोशन और रोटेशन मोशन में सारे फॉर्मूले सारी इक्वेशन सेम रहती हैं, बस डिस्प्लेसमेंट की जगह फॉर्मूलों में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स की जगह टॉर्क, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम,
सारे फॉर्मूले सारी इक्वेशन सेम रहेंगी, बस ये 6 रिप्लेसमेंट काम करते रहेंगे, जिसमें से पहले 3 हम सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं, अगले 3 अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो वर्क के एक्सप्रेशन पे दिमाग लगाओ, तो वर्क का एक्सप्रेशन वैसे हम लोग क्या लेते हैं, एफ डॉट डी एस। रोटेशन मोशन में आ जाओगे तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान दो, टॉर्क जो होती है वो फोर्स की वजह से ही तो आती है, बॉडी पे कोई टॉर्क लगती है तो किसी फोर्स की वजह से लगती है। तो फोर्स का वर्क डन निकालो या उस फोर्स की वजह से आने वाले टॉर्क का वर्क डन निकालो, बात सेम है, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। इसी बात का ये लोग इस डेरिवेशन में फायदा उठाना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं, लगाते चले जाते हैं, फाइनली आंसर आ जाता है, पर वो सारे स्टेप्स हमने क्यों फॉलो किए हमें लास्ट तक पता रियलाइज ही नहीं होता। तो सीबीएसई में डेरिवेशन तो है, बट उन डेरिवेशन के पीछे लॉजिक क्या है वो ढंग से कहीं पे एक्सप्लेन करते हैं नहीं हम लोग उतना। अभी मैं तुम्हारे सामने वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी जो डेरिवेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अभी तक इंट्रोडक्शन दी है, स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंदर डेरिवेशन में हम वर्क डन निकालेंगे ड्यू टू अ फोर्स, बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेट कराते समय जो उस पर फोर्स लग रही है उस फोर्स का वर्क डन निकालेंगे, वही फोर्स टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी टॉर्क की वजह से क्या वर्क डन होता वो वर्क डन हम लोग निकालेंगे। और दोनों वर्क के एक्सप्रेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही बराबर हैं, तो हम टॉर्क का एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं डिराइव कर लेंगे ड्यू टू फोर्स एफ, ठीक है। कहानी समझ में आई, तो यही कहानी तुम्हारे सामने अब मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान दो, ये जो फोर्स लग रही है ड्यूरिंग रोटेशन बॉडी पे, उस फोर्स का वर्क डन हम लोग निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, वर्क डन निकाल रहे हैं फोर्स एफ का, फोर्स एफ है, डिस्प्लेसमेंट डी आर था, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या था एफ एक्स, वाई कंपोनेंट क्या था एफ वाई, तो फोर्स वेक्टर बन जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। डिस्प्लेसमेंट डी आर का भी याद करो, एक्स कंपोनेंट हमने डी एक्स, वाई कंपोनेंट डी वाई मान लिया था, तो डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। और अब वर्क डन निकालने के लिए दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई कैप वाले कोफिशियंट मल्टीप्लाई जे कैप वाले कोफिशियंट मल्टीप्लाई। तो वर्क डन एफ डॉट डी आर में फोर्स आ गया हमारे पास एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लिख दिया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, आई कैप वाले कोफिशियन मल्टीप्लाई एफ एक्स इंटू डी एक्स, जे कैप वाले कोफिशियन मल्टीप्लाई एफ वाई इंटू डी वाई। वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया ड्यू टू फोर्स एफ एक्स डी एक्स इंटू एफ वाई डी वाई, ठीक है। फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल लिया, अब इसी फोर्स के वजह से आने वाले वर्क डन के एक्सप्रेशन को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ किससे, टाउ इंटू डी थीटा से, ताकि मुझे क्या मिल जाए टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स। तो इस एक्सप्रेशन को मैं टाउ डी थीटा से कंपेयर करना चाहता हूँ, पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहे हैं डी एक्स और डी वाई, मुझे क्या चाहिए थे, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे डी थीटा, तो एक्स और वाई को मैं डी एक्स और डी वाई को मैं डी थीटा से लिंक करना चाहता हूँ। तो लिंक करने के लिए देखो क्या कर रहे हैं, तुम्हारा जो पार्टिकल सर्कल रोटेट कर रहा था, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू ओ के अबाउट हमारा पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा था ना, पार्टिकल रोटेट कर रहा था, ड्यूरिंग दैट रोटेशन मैंने बीच में एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया है पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स कॉमा वाई। तो चलो ये जो पार्टिकल पॉइंट है पी, इसकी दूरी कितनी है ओरिजिन से आर, इसका एंगल कितना है थीटा। तो ध्यान दो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा, ठीक है। पार्टिकल के जो पोजीशन थी मेरी एक्स कॉमा वाई, उसको मैं पोलर फॉर्म में कहीं ना कहीं लेके जा रहा हूँ, आर और थीटा के फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। चलो अब इसी को मैं डिफरेंशिएट कर दूँ, तो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, आर कॉस थीटा को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो आर तो कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के अंदर क्या रह गया कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा, क्या आ गया एक्सप्रेशन माइनस आर साइन थीटा। मैं रियलाइज करो आर साइन थीटा क्या है वाई, तो माइनस आर साइन थीटा क्या हो जाएगा
माइनस वाई, तो डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डी थीटा। ध्यान दो, डी एक्स को हम डी थीटा के टर्म्स में ले गए हैं, दिमाग क्या लगाने वाले हैं, डी एक्स और डी वाई को डी थीटा के टर्म्स में ले जा रहे हैं ताकि एक्सप्रेशन को टाउ डी थीटा से कंपेयर करके टॉर्क ढूंढ पाए। फिर वापस से फिर से वाई कोऑर्डिनेट कितना था हमारे पास, आर साइन थीटा, वाई कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फिर से आर तो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और रियलाइज करो आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था, ठीक है, तो डी वाई बाय डी थीटा किसके बराबर आ गया, एक्स के, डी वाई बाय डी थीटा एक्स के बराबर है, तो डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी थीटा। तो हम लोगों ने डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डी थीटा, डी वाई इक्वल टू एक्स डी थीटा प्रूव कर दिया है। अब यही दोनों बातें मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है, डी एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ मैं, माइनस वाई डी थीटा, डी वाई की वैल्यू मैं क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, एक्स डी थीटा। सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये आ गया एक्सप्रेशन मेरे पास, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, डी एक्स को मैंने क्या डाल दिया, माइनस वाई डी थीटा, प्लस एफ वाई डी वाई में डी वाई को क्या डाल दिया मैंने, एक्स डी थीटा, पूरे में से डी थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, और अब हमें मालूम है वर्क डन ड्यू टू अ टॉर्क विल बी टाउ डी थीटा, तो फोर्स की वजह से जो वर्क डन आया उसको टाउ डी थीटा से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स इज एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन कार्टिशियन फॉर्म, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के टर्म में बात चल रही है, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कार्टिशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में बात चल रही है, तो इसे इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्टिशियन फॉर्म ऑफ टॉर्क, ठीक है, तो स्कूल में डेरिवेशन आ जाए कार्टिशियन फॉर्म में टॉर्क डिराइव करो, तो तुम्हें इस तरीके से डिराइव करके दिखानी है, यहाँ पे डेरिवेशन तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, 3 मार्क्स मिल जाएंगे, पर इसी को अगर हमसे बोलते हैं कि पोलर फॉर्म में डिराइव करके दिखाओ, ये हमसे क्वेश्चन में बोला जाता है फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क, फिजिकल मीनिंग अभी तुम्हें पीछे दिखा रहा था मैं डायग्राम बना बना के, फिजिकल मीनिंग टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई फिजिकल सेटअप हमारे पास है तो उसमें टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस फिजिकल मीनिंग को डिराइव करके दिखाओ, तो अभी इसे थोड़ा सा भी और आगे जाना पड़ेगा, तो वो फिर 5 मार्क का डेरिवेशन बन जाएगा हमारा। फिर अभी टॉर्क का एक्सप्रेशन को दिमाग में रखो, मैं इसी से आगे बढ़ूंगा, टॉर्क का एक्सप्रेशन एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, टॉर्क का एक्सप्रेशन में डिराइव कर चुका हूँ तुम्हारे सामने इन द कार्टिशियन फॉर्म, ठीक है, तो नेक्स्ट मैं तुम्हारे सामने बात करने जा रहा हूँ एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर फॉर्म, कहीं ना कहीं जो फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क है उसकी डेरिवेशन की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, तो जो पीछे भी हमने डेरिवेशन किया था उसमें पार्टिकल था हमारा रोटेट कर रहा था अबाउट ओरिजिन, ये उसका रोटेशन चल रहा था, बीच में हमने कोई जनरल पॉइंट ले लिया, ठीक है, जनरल पॉइंट ले लिया था पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने थे एक्स कॉमा वाई, जब इस पॉइंट पे पार्टिकल था तो उस पर फोर्स लग रही थी एफ और उसका पोजीशन वेक्टर था आर, ठीक है, उसी डिस्कशन को आगे ले जा रहे हैं। अभी ये जो फोर्स एफ लग रही है, देखो मैं इस फोर्स एफ को बैक एक्सटेंड करता हूँ, एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रही है अल्फा, ठीक है, फोर्स का एक्स एक्सिस से एंगल कितना है अल्फा, फिर ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर की लेंथ अभी मैं क्या मानने वाला हूँ आर, और इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना है थीटा, ठीक है, इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना है थीटा, तो फोर्स का एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा और ये पोजीशन वेक्टर आर का एंगल एक्स एक्सिस से, सॉरी फोर्स का एक्स एक्सिस एंगल अल्फा और पार्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल थीटा, तो ध्यान दो फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट, जो हमने फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट लिखा था, फोर्स एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा है, तो इसका x कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा f cos अल्फा, y कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा f sin अल्फा, ठीक है ना, ऐसे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मान लिया मैंने स्मॉल r, एंगल क्या मान लिया थीटा, तो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r sin थीटा,
टॉर्क का जो हमने कार्टेशियन फॉर्म निकाला था, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा, फोर्स का वाई कंपोनेंट एफ साइन अल्फा, फोर्स का एक्स कंपोनेंट एफ कॉस अल्फा, ठीक है। जो पीछे हमने अभी डिस्कशन में एफ एक्स एफ वाई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाले पोलर फॉर्म में, वो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिए, पूरे में से आर एफ कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या रह गया, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस अल्फा, क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया आर एफ साइन अल्फा माइनस थीटा। अब ध्यान से इस डायग्राम पे दिमाग लगाओ, तो ध्यान दो, ये एंगल कितना है अल्फा, ये एंगल कितना है थीटा, ध्यान से देखो ये एंगल को हम क्या मार्क करने जा रहे हैं, फाई। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सबने सुन रखी है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो एक्सटीरियर एंगल अल्फा विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल थीटा प्लस फाई, आता है क्या समझ। ये हमारे सामने जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल के ऊपर दिमाग लगाओ, तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अल्फा विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स दैट इज थीटा एंड फाई। ये एंगल मैंने नया एक एंगल ले लिया है फाई वेक्टर, फाई एंगल सॉरी, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। तो ध्यान दो, अभी जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था उसमें अल्फा माइनस थीटा था, अल्फा माइनस थीटा को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, फाई से, और टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आर एफ साइन फाई। टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आर एफ साइन फाई, वेर फाई इज, ध्यान से देखो ये फाई जो एंगल लिया था, ये देखो ध्यान से, ये हमारा आर वेक्टर का डायरेक्शन, देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है आर वेक्टर, ये हमारा फोर्स वेक्टर, फोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन में, और इनके बीच में ये जो एंगल है आर और एफ वेक्टर की, इसी को हमने फाई, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी फाई। तो टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन फाई, में फाई क्या होता है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ये डिराइव करना था, और इसी को अगर मैं आगे लिख दूं एफ इंटू आर साइन फाई, तो डायग्राम में रियलाइज करो ध्यान से, देखो ये आर है, ये एंगल फाई है, आर कॉस फाई, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखा रखा है मैंने, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आर, ये एंगल फाई, तो आर कॉस फाई आर साइन फाई, ध्यान दो ये आर साइन फाई क्या है, फोर्स एफ का लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा पार्टिकल रोटेट कर रहा था। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क डिराइव करके दिखाओ, तो ये तुमने डिराइव करके दिखा दिया, फाइव मार्क्स।